हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितु गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल संगिनी। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ वो है हम डिफरेंट टाइप से साड़ी किस तरीके से पहने। साड़ी तो एक ही होती है और एक बार पार्टी में पहनने के बाद क्या होता है कि उसका वो साड़ी इतनी दिख जाती है तो दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। बट हम साड़ी का अगर पैटर्न चेंज कर लेते हैं, साड़ी का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं तो वही साड़ी एक न्यू लुक में आ जाती है। तो मैं आज आपको वही एक साड़ी का ट्रिक बताने जा रही हूँ और उसमें एक ये भी है कि आप एक कोट है, कोट के साथ साड़ी को अपनी कैरी कैसे करें या आपका पल्ला है उस पल्ले को कितने अच्छे से आप विजिबिलिटी दे सकते हैं, तो वो आपको मैं पैटर्न बताने जा रही हूँ। और वैसे आपसे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप मेरे जो वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करिए, जिससे कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना साड़ी। और आप एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि आप सबने मेरे ड्रेपिंग के वीडियोस को आप लोग मेरे बहुत पसंद कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे कुछ डिफरेंट टाइप मैं आप लोगों के सामने ड्रेपिंग लाती रहूँ। तो बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से पहनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मैं जो ड्रेप करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मुझे ड्रेप करना है। ये मैंने आज जो साड़ी ली है ये सिल्क की साड़ी ली है और इसकी मैं क्वालिटी थोड़ी सी बताना चाहूँगी। ये प्योर सिल्क में साड़ी है और ये जो वर्क है ये ये सिंधी का वर्क है। ये सिंधी वर्क बहुत ही एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हमारी है और ये साड़ी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। मुझे एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक है तो ये साड़ी मैंने खुद काटी है अपने हाथ से। आप देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। आज मैं यही साड़ी पहनाने जा रही हूँ इसको, क्योंकि इसका पल्ला बहुत अच्छा है तो मैं चाहती हूँ इस पल्ले को जो है, इस पल्ले का जो लुक है वो मैं अच्छे से दिखा सकूँ। तो ये मैं पहले तो इसको सिंपल सी प्लेट बनाऊंगी। एक छोटा सा एक मार्जिन के लिए कि एक देखने के लिए कि मेरा कहाँ तक क्या जा रहा है। मैंने इसमें ये आपको जो बताया था, जो भी मैंने और अपने आगे की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा एक गाइडलाइन होती है, हम यहाँ तक अपनी साड़ी को कवर कर सकते हैं। प्लेट्स मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे कितने में प्लेट डालनी है, ये मुझे पता रहना चाहिए। एक स्लिम लुक दिखने के लिए आप चाहें तो लेगिंग्स में या फिर एक बिल्कुल जो स्किन टाइट डिकोट्स आते हैं आप उसमें ड्रेप करिए। आप डेफिनेटली आप जितने भी हेल्दी हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्लिम फील करेंगे। तो और दूसरी बात एक बता दूं मैं आपको कि आप प्लीज़ अपने डीकोड पे बहुत फोकस करिए। आपका जो डीकोड है यानी कि पेटीकोड वो बहुत ही स्लिम होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी चुन्नट नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी जो बहुत सारे घेर बना के यहाँ इकट्ठा हो जाता है ये बहुत ख़राब लगता है। तो कोशिश करिए कि आपका जो बिल्कुल आपकी बॉडी से चिपका हुआ आपका डीकोड होना चाहिए, उसमें कोई भी प्लेट से चुन्नट नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है आपका बेस एरिया काफी हैवी दिखने लगता है। अब मैं फिर से अपना जो मेरा पल्ला इसका जो प्लेट्स है ये मैं डालने जा रही हूँ। बस साड़ी में दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपकी साड़ी में जो प्लेट डालें आप वो बहुत ही फाइन डालें, बहुत ही अच्छी डालें, और जो आपके सेफ्टी पिन लगे हैं वो बहुत ही सिक्योर तरीके से लगे, जिससे कि आपने जहाँ जहाँ सेफ्टी पिन लगाए हैं वो आपको वहाँ पे आपको डर ना रहे किसी चीज़ का कि कहीं हमारी साड़ी खुल ना जाए। तो सेफ्टी पिन को भी थोड़ा सा अच्छे से लगाइए। ये मैंने अपनी साड़ी को कवर कर दिया। अब उसके बाद अब जो ये मेरा पैटर्न है
एक सेफ्टी पिन मैंने यहां लगा दिया। और जो एक सेफ्टी पिन है उसको मैंने यहां बैक में लगा दिया। और सर्दियों में आप चाहें तो इस तरीके से आप अपने हाथों में पूरे पल्ले का एक लुक दे सकते हैं। और एक सेफ्टी पिन हम यहाँ पीछे लगा देंगे। ये यहाँ ब्लाउज से अटैच करके एक सेफ्टी पिन यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से हम अपनी जो हमारा ये स्टाइल है, हमारे जो पल्ले की विजिबिलिटी है, आप देखिए मैंने अपने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसको पहनाया हुआ है। बस मेरा एक जो था कि मेरा जो पल्ला इतना ब्यूटीफुल है, ये किस तरीके से इसको मैं हाईलाइट कर सकूं, तो बस उस पल्ले को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये पैटर्न बनाया है। आप देखिए कि बहुत ही आपकी सिल्क की साड़ी का पूरा लुक आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। आप पहनिए इसे और बताइए कि मेरे हिसाब से खूबसूरत है, क्या आपको भी खूबसूरत लग रहा है? तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करिए। थैंक यू सो मच।